एसटीएफ ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को ढेर किया है। आपको बताएं कि 1,00,000 का इनाम था बदमाश विनोद उपाध्याय पर। प्रदेश के बड़े माफियाओं में विनोद शामिल था और गोरखपुर पुलिस ने घोषित किया था 1,00,000 रुपए के इनाम। देहात कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई, मुठभेड़ में ढेर हुआ बदमाश विनोद उपाध्याय। एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 1,00,000 का इनाम है बदमाश विनोद उपाध्याय, मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बताएंगे प्रदेश के बड़े माफियाओं में विनोद उपाध्याय का नाम शामिल था और आखिरकार पुलिस को साथ साथ एसटीएफ बड़ी कामयाबी मिली है। देहात कोतवाली क्षेत्र में ये पुलिस मुठभेड़ जो है देखने को मिली है। बदमाश विनोद उपाध्याय के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ जिसमें बदमाश ढेर हुआ है। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, 1,00,000 का इनाम था इसके ऊपर, अगर इसकी क्राइम कुंडली की बात की जाए तो कौन कौन से वो बड़े मामले जिनकी वजह से ये पुलिस के लिए सरदर्दी था, एक चुनौती था? देखिए, पूर्वांचल की जितनी भी बड़ी घटनाएं और पूर्वांचल के जितने कह सकते हैं आपकी बड़े माफिया तंत्र, उन सभी माफिया तंत्र के लिए शार्प शूटर के तौर पर ये विनोद उपाध्याय काम करता आ रहा था। गोरखपुर पुलिस की तरफ से बीते दिनों इसको 1,00,000 का इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तो वहीं विनोद उपाध्याय अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था, क्योंकि ये हाईटेक और उसके साथ साथ हर वो तकनीक का उपयोग करता था कहीं भी किसी भी बड़ी घटना में अपने नाम को हटवाने में और इसके साथ ही साथ चकमा देने में, तो लगातार चुनौती उत्तर प्रदेश की पुलिस को देने का काम कर रहा था। ऐसे में पूरा मामला यूपी एसटीएफ को सौंपा गया और जिसके बाद आज सुल्तानपुर में हुई मुठभेड़ के दौरान इसे मार गिराया गया है। डीएसपी जो एसटीएफ के हैं दीपक सिंह की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसके बाद जो एसटीएफ चीफ हैं उनकी तरफ से टीम को शाबाशी दी गई है। काफी बड़ा ऑपरेशन और इस साल का अब तक की जो शुरुआत हुई है उस पूरे मामले में ये 1,00,000 का इनामी ढेर होना निश्चित तौर पर आप समझिए कि साफ तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से योगी सरकार के मंसूबे हैं कि माफियाओं रहित, माफियाओं से पूरी तरह उत्तर प्रदेश आजाद और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के तंत्र की पूरी तरह से समाप्ति, यही मोटिव के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस यूपी एसटीएफ ग्राउंड पर नजर आ रही है। बिल्कुल शुभम, देखिए बदमाशों को लेकर, अपराधियों को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ तौर पर नजर आ रही है। शुभम, दर्शकों को यह भी बताएं कि एनकाउंटर कब हुआ, कैसे पुलिस को इनपुट मिली और किस तरह से यह पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ शुभम ये भी जो अगर देखा जाए सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि राजनीतिक रसूख की भी बात था, राजनीतिक संरक्षण की बात भी निकलकर सामने आई थी, क्या एंगल ये भी है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए कि जब माफियाएं ऐसे ही पलते बढ़ते नहीं है, तमाम राजनीतिक संगठनों का उनको कहीं ना कहीं आप समझिए कि शह रहती है और इसके बाद ही वो पूरे तंत्र को चकमा देते रहते हैं। और ठीक यही विनोद उपाध्याय के भी मामले में निकल करके सामने आ रहा है। बीते दिनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उसको कहीं ना कहीं शह मिलती रही, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा माफिया बन गया, जिसके बाद के आप समझिए कि लगभग 6 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हो चुके थे आए हुए और उसके बावजूद भी विनोद उपाध्याय बच के निकल जा रहा था और यही उसकी कहीं ना कहीं आप समझिए कि मजबूती थी, तंत्र में मजबूती थी, बातचीत जो पूरा कनेक्शन है वो उसका काफी ज्यादा हाईटेक था। और इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ जिस हिसाब से काम कर रही है, आप समझिए कि सुल्तानपुर में आज इसको ढेर किया है। लगभग करीब 5 से 6 महीने की ट्रेसिंग चल रही थी, यूपी पुलिस लगातार उन तमाम जगहों पर दबिश दे रही थी जहां पर भी विनोद उपाध्याय से संबंधित लिंक मिल रहे थे। ऐसे में जब ये पूरा मामला यूपी एसटीएफ को सौंपा गया तो जल्द से जल्द इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आज सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की टीम ने इस माफिया को ढेर कर दिया।